पीएनबी घोटाला 29,000 करोड़ का हो गया है, जिसमें 20,000 करोड़ मोदी जी के राज में, 9,000 करोड़ मनमोहन सिंह के राज में डूबे। अमेरिका में हीरा व्यापारी और इस कारोबार को बेहद करीब से जानने वाले अभी डांडिया का कहना है कि पैसा वापस आएगा ऐसी कोई उम्मीद लगाना बेकार है। अभी डांडिया से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने, इन्वेस्टिगेटिव एडिटर है हमारी, उनसे खास बातचीत अब देखिए। हमारे साथ अमेरिका के डलास से अवि डांडिया है, जो डायमंड मर्चेंट है, डायमंड के व्यापारी है अमेरिका में। देखो 28 साल हो गए डायमंड बिजनेस में जी, और मैं अमेरिका में, आई एम हियर इन अमेरिका सिंस लास्ट 18 इयर्स। आपकी कोई कंपनी है अमेरिका में? जी मेरी कंपनी है। पंजाब नेशनल स्कैम नीरव मोदी का जो हुआ है उसके बारे में आपको कुछ पता है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक बैंक नहीं लेकिन बहुत सारी नेशनलाइज्ड बैंक इसमें फंस सकती है, तो आपके पास क्या जानकारी है उसके बारे में? ये टोपीबाजी के खेल होते हैं, जो सीधी सी भाषा में ये है कि टोपियां जब तक चल रही है, जैसी टोपी रुकी वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं हीरे बाजार में। और ये जो चोकसी साहब का हुआ है ये ऐसे ही हुआ है, मैं इनको 1990 से जानता हूँ। इनको जो आज पूरे इंडिया में इनको मेहुल भाई के नाम से बोलते हैं, हमारे बाजार में इनको पप्पू भाई बोलते हैं, इनका नाम पप्पू भाई है बाजार में। और इनका काम अच्छा है, ऐसा नहीं, काम था इनका पहले अच्छा, मगर बीच में वही है कि जब टोपी बड़ी होती गई और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, बैंक ऑफिशियल्स हो, शीला जी, दे हैव टू गेट इन्वॉल्व, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू स्ट्राइक दिस बिग, इट्स इम्पॉसिबल। जब आप नीरव मोदी की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि नीरव मोदी की पत्नी अमेरिका की सिटीजन है, उन्होंने अपने नाम पे अमेरिका में कंपनी खोली है और वो जो ब्रांड चलाती थी वो नीरव मोदी की ब्रांड चलाती थी, तो इसका कैसे हिसाब होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कंपनी वहां दिखा रहे हैं लेकिन धंधा भारत में कर रहे हैं? देखो यही तो बात है, अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझनी पड़ेगी जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, जहां पे डॉलर का इतना एक्सचेंज हो रहा है, वो कंट्री के बिजनेस कैसे चलते हैं वो तो पता नहीं है पीएनबी वालों को वहां पे बैठे हैं। तो इसका जो पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी ये हुई है कि जो लोग हैं, इन लोगों ने जिन्होंने किया है पूरा काम, उन लोगों को ये पता था कि इंडिया का जो तरीका है काम करने का उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं और अमेरिका का जो तरीका है उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सीधी कहानी है। तो उन्होंने वहां का तरीका तो ब्रेक किया क्योंकि वहां पे गैप्स हैं, और यहाँ के तरीका बड़ा सिंपल है। मैंने एक यहाँ पे कंपनी डाली, जैसे कहते हैं कि अमी मोदी जो हैं वो यहाँ की उनका जो पासपोर्ट है यूएस पासपोर्ट है, सो वो यहाँ की नागरिक है, जो सब कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है। यहाँ पे अमी मोदी आई, उन्होंने एक कंपनी डाली, तीन तरह की कंपनियां होती है अमेरिका, इनकी मोस्ट प्रॉब्ली जो कंपनी है वो है इसके अंदर लिमिटेड, जो इसकी जो लाइबिलिटी कंपनी LLC कंपनी है इनकी, इंडिया के अंदर इनकम टैक्स होता है, हमारे यहाँ होता है IRS, आप IRS में अपने नाम से कर सकते हैं फाइल टैक्सेस, मगर जो बिजनेस आप किसी और नाम से करते हैं जिसको बोलते हैं DBA, डूइंग बिजनेस एज, तो यही मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ है कि अमी मोदी ने यहाँ पे काम करा, ये कंपनी डाली, वो कंपनी का नाम कोई भी डाल सकता था, मगर आप लोगों ने उसको कनेक्ट कर लिया दोनों को, क्योंकि वहां भी नीरव है और यहाँ भी नीरव, मगर आपको ये नहीं पता है कि अमेरिका में वो डिफॉल्टर नहीं है, तो अमेरिका में अगर इधर पैसा है उसका तो आप नहीं ला सकते इंडिया, बिकॉज दैट्स अ लीगल मनी एंड द ओनर इज अमी मोदी, शी इज द ऑफिशियल ओनर सपोजिटली, बट उनके जो हस्बैंड है वो तो ओनर नहीं है ना, तो पैसा नहीं आएगा क्योंकि शी इज नॉट डिफॉल्टर हियर विद IRS। तो आप वहां पे कितना ही हल्ला मचाते रहे, 11,500, और मैंने तो जब ये हुआ था उसी टाइम मेरा वीडियो आ गया था शीला जी कि ये 11,500 करोड़, ये 50,000 करोड़ ऊपर जाएगा। तो इंडिया ने क्या करा मैम, इसको अप्रोच ही गलत किया है इस पूरे काम को फ्रॉम गेट गो, बिकॉज दे डिडंट नो कि ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी कैसे चलती है और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वहां पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक, ये पैसा नहीं आएगा किसी भी हालत में नहीं आएगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।